अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज सुबह भी हल्की सी बारिश हुई है जी। बारिश तो अब रोज़ की रूटीन बन चुकी है मुसलसल। दूसरे कुछ मुल्कों में ना बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ से जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे जाके परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी वही सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ पे रात को बारिश होती है। अरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बच्चे ठीक हैं, एक्टिव हैं, इधर आओ। बाकी आ गए, तेज हो गए हैं बच्चों, इधर आ जाओ। इधर बड़े चलाक हो गए हैं बच्चे, फिट हैं। अब ये फूड खाने लग पड़े हैं ना, डॉग फूड, तीन टाइम दूध पीते हैं और बाकी ये डॉग फूड खाते हैं। देखिए ये आइए ना, इसको ऐसे ऐसे करते हैं। ये ज़्यादा नहीं किया ना, ज़्यादा ऐसे करते हैं ना, सोचना था पता नहीं क्या चीज़ लेके आए हैं, लाजमी आती खाने के लिए। ए मैडम, मैडम मैडम यहाँ लूसन खा रही है, और बाकी सारा तबका जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं। आजकल बस बच्चे देने वाली हैं सारी, तो इधर बस चंद दिनों तक ना, ये जो दूसरी पार्टीशन है ना इससे साथ वाली, ये वाली इधर, ये काफ़ी आपको गहमा गहमी नज़र आएगी। उम्मीद की जा सकती है कि 50 के लगभग बच्चे आ जाएंगे, आप देखें क्या बनता है। इन बच्चों के खेत में ना पानी कोई नहीं, और पानी जो है ना मेरा दिल है इन्हें रख दें, क्योंकि गर्मी है और ये पानी ज़रूरी है इनके। फार्म के अंदर जो चीज़ें हैं जिनका बड़ा ख्याल रखने वाला होता है वो ये हैं, शापर। शापर नहीं आपके फार्म के अंदर होना चाहिए किसी ज़रूरत में भी, ये भी पड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें बिखरी होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये करते तो बड़े हैं, आप देखें इधर सफाई कर ली है सारी। ये अब आपने तो हट के करनी पड़ी है, तो चीज़ें उधर पड़ी हुई नहीं सफाई कर रहे। अब जब भी को हवा नहीं है, शापर ने जाना है अंदर, पर बकरियां तो आपको पता है कि मेंट नहीं लगाती, हर चीज़ चटम कर जाती हैं। इनकी तो क्यूरियसिटी बड़ी होती है ना, ये तो चेक करती हैं मुंह में डाल के हर चीज़ को भी है क्या। एक साइड थे ना वो परना गुठे रख दो, दूध समझ के पीता नहीं, पता क्या धोखा हो गया, दूध समझ के पीने गए हैं, बाद में पता चला थी पानी है तो धोखा हो गया। इन्होंने पानी रखना चाहिए सी ना सर जी, पानी रखना तो चाहिए, लेकिन हजे ना कन्फर्म है नहीं ना पता, एक पानी दी भी थोड़ी एक महीना जिन्होंने को लेने कह रहे हैं महीने दिन, जो दो तीन दिन ठहर के फिर पानी रखा नहीं, पानी का मिल्क ना कोई अलग नहीं होता, रखते पानी जिस जानवर ने आपू पीना है ना वो रिक्वायरमेंट हो पीता, पता नहीं करते हैं समझने दुनिया फिर थोड़ा ज्यादा पी जाते, मतलब पानी एडे बेवकूफ नहीं आया जी ना, देख ले चेक किया ना देखो, कोई नहीं है काम बने वापस आ गए। ये पानी रखना पैदा बल्कि बच्चे में हफ्ते दिन पानी रखना पैदा, इन्हें रखना पैदा, मैं रख दिता हूँ पानी सुबह शाम तीन करवाए उन्हें, टाइम तीन टाइम दूध दो दिन बाकी जो ना फीड होनी पानी जिनी खा लें ज्यादा नहीं, पानी पानी का नुकसान नहीं, फीट ज़्यादा पी है फिर गंदी हो गई, फिर वो खाने में बीमार हो गए, एक्टिव हो गए नहीं, पिछे पिछे दौड़ते रहे उधर जाते हैं, फिर बड़े बोलते हैं डर के आ जाते हैं।
प्लास्टर का काम भी बिलाहर शुरू हो ही गया है। बट साहब तो पानी भर रहे हैं कूलर में, नहीं तो पी करना पड़ेगा। फार्म के अंदर ऐसे पी नहीं करते, जानवर होते हैं। ये पी का असर हो गया। आरन दे रास्ता ले केश, आरन दो ते रास्ता लो। लो जी फिर खबर पढ़ो कि पाकिस्तान से हर साल लाखों जो है ना वो लोग ये मिडल ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं भीख मांगने। ये जो दुबई, सऊदी अरब, ईरान, इराक इन जैसे मुल्कों में, और उन्होंने अपील किया कि अपने फ़कीरों को रोकें। लिखा हुआ है कि 90% जो लोग वहाँ पे पकड़े गए फ़कीर वो पाकिस्तानी। पिछले 2.5 साल में ये देखिए लिखा हुआ है कि 44,000 पैसेंजर्स को जो है ना इन्होंने जाने से रोका है बाहर, जिन पे इन्हें शक था कि ये फ़कीर हैं। अब देखना यहाँ पे एक मनफी कंसेप्ट पाया जाता है कि पाकिस्तानी हम हर काम में पीछे हैं, तो वहाँ पे ये एक मुस्बत पहलू भी है ना कि काफ़ी सारे कामों में हम इतना आगे हैं और 90% हम इस काम में हैं, तो इधर हमें कोई नहीं सराहता, इधर कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, बस जो हमारे इन कामों में पीछे हैं उन पर तनकीद होती है। ये तो कोई बात नहीं, ये जाती है। आज के अखबार में जो एग्रीकल्चर आर्टिकल्स हैं इसमें ये एक आर्टिकल बड़ा अच्छा है कि ये एफ्लोटॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो पाकिस्तानी हमारी खुराकों में बड़ी के कसीर मकदार में पाए जाते हैं, उसका ये हाल है कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की तरफ जो है ना वो आएँ। मतलब ये भी एक आर्टिकल है इस पर, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स रिक्वायरमेंट किस तरह कम कर सकते हैं चीज़ों को। इसका हाल यह है कि इनकी तस्वीरें खींच के चैट जीपीटी को देते हैं ना, तो वो उर्दू में आर्टिकल ये बना देगा, ये पढ़ना आसान हो जाएगा। सब्जी फार्म पे तो यहाँ पे इनका हो रहा है जी, बंदा यहाँ पे लड़का जो रहता है उसका मुबारक जी। फिर आज रुकती है जी? हाँ जी। अच्छा अभी आप दे रहे हैं गड्डी का ड्राइवर का नंबर भी मिले आज, इनके तो यहाँ पे मेहमान काफी सारे आए हुए हैं, इसलिए हम तो यहाँ से जनाब फरार हो जाते हैं जी। हेलो पपीज, पपीज ने दंद डाला है, सफाई करवाते। गैंग का खात्मा हो गया जी, दो सदस्य रह गए। मन लगता है इन्होंने भूख लगी। दो गैंगस्टर रह गए हैं बाकी कल, इन्होंने कढ़ाई बना के खा ली है। असल में बथियाँ बड़ी हो गई हैं, खुराक की जरूरत इनकी बढ़ गई है, ये ना अक्सर बोलती रहती हैं। जंज सारी पीछे पीछे जंज चल रही बाजिया ना थोड़ा लग गई। ये तो रेस्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग ये प्लास्टर का काम जारी है, एक साइड प्लास्टर हो चुकी है, ये भी 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। टाइल लगाने वाले भी आ गए हैं, कल या परसों गुजरा वाला जाके टाइल लाना पड़ेगी। उम्मीद है कि ये 2-3 हफ्ते में ये फाइनल हो जाएगा। फिर चलो, हमारे यहाँ पे मिस्त्री ब्लेंडर इतने करते हैं ना,
वो लेट काम करते हैं, ख़राब करते हैं, फिर दोबारा ठीक करते हैं, तो एक मसला होता है यहाँ पे। बस यहाँ इस मुल्क में यही मसला है कि जिस चीज़ का आपको इलम नहीं है ना, उस चीज़ में आपको ना फिर नुकसान ही होता है और डरेमेंट ही होती है। शाम की अजानें शुरू होंगी जी, आप ही कहें राम, सुबह होगी दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।